जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र से लापता हुए युवक का शव नर्मदापुरम में मिल गया है। जानकारी अनुसार युवक घर से काम का कहकर निकला था और वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने 20 तारीख रिपोर्ट दर्ज करवाई और 3 दिन बाद युवक का शव नर्मदापुरम में मिला, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। रामगुर्रा थाना पुलिस ने सूचना दी कि गुमशुदा युवक सचिन झरिया का शव स्टेशन के पास पड़ा मिला है, जिसके बाद मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। मामले में रामगुर्रा थाने और जबलपुर पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। मतलब ऐसा कुछ अब सर सच तो कुछ बता नहीं सकते ना, बगैर उसके अंदाज के। अपन ये चाहते कि सरकार इसका निराकरण करे, कुटिया ढूंढ के या कुछ भी करके उसका सलूशन निकाले। बोले कि इसकी 7-8 बड़ी साइज की फोटो ले आओ और आधार कार्ड ले आओ। तो फिर हम घर आए हैं तो वो फोटो बड़ी करवाएं और आधार कार्ड लेके हम फिर से दोबारा जमा करके और पावती लेके, मतलब रिपोर्ट करके पावती लेके आ गए। तो वहाँ उस फॉर्म नंबर कायम किया है 6/22 धारा 174 अंतर्गत की जाँच चल रही है। सर घर वालों का कहना है कि हमारे बच्चे का मर्डर किया गया, क्या है इसमें? ये तो अब जाँच में है, वहाँ पीएम रिपोर्ट वगैरह आएगी, इससे क्लियर हो जाएगा। हम भी यहाँ इनकी जो मोबाइल की सुविधा वगैरह है उसमें हम जाँच में उनके स्टेटमेंट वगैरह लेंगे, मोबाइल सीधे आने के लिए कहाँ गया था, कैसे बुलवाया, सब जाँच में क्लियर हो जाएगी।